गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी गाड़ी नीचे रेडी है, जस्ट हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद आज हम गाड़ी में बैठ के मालूम जब्बा के 3-4 जो पॉइंट जो हमने कल विज़िट करने थे ना, आज करेंगे। कल क्योंकि हम पीसी चले गए थे तो हमारे वो पॉइंट मिस हो गए थे, तो जस्ट वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट। सो गाइस, हमारी गाड़ी आ गई और हम जा रहे हैं मालूम जब्बा एक्सप्लोर करने। ये हमारी गाड़ी है। सबसे पहले कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं सर? ग्रीन वैली भी लेके जाएगा। ग्रीन वैली में बर्फ भी है, स्लाइडिंग भी है। अच्छा, और पार्क बना हुआ है ना, और उधर दूसरी शंग्रीला टॉप भी है। इधर तो मालूम जब्बा से सबसे ऊंचा जगह है ना। अच्छा ठीक है, और दूसरी जंगल है, जंगल में स्लाइडिंग भी है सर और बर्फ भी है। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा। जी सर। अच्छा, अभी हम सबसे पहले ग्रीन वैली जा रहे हैं। जी, ग्रीन वैली लेके जा रहे हैं। ठीक, तो इसका नाम ग्रीन वैली क्यों पड़ा, कोई है पता? जी सर, ये तो ग्रीन जगह है ना, इस टाइम तो खजान है, इस टाइम तो नहीं है ना। अच्छा, तो ये ग्रीन वैली में हमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। वैसे तो विंटर्स है, देखते हैं कि कितना हमें वहाँ पे कितनी ग्रीनरी हमें वहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे अभी जो ट्रीज़ हैं बाहर वो तो ग्रीन ही हैं, तो अभी देखते हैं जाके। क्योंकि होता ये है कि जब विंटर्स आती है ना, स्नोफॉल होता है, तो सारा कुछ ना ग्रे ग्रे हो जाता है, तो ग्रीनरी उस तरह से आपको नुमाया होकर दिखती नहीं है। लेकिन लेट्स सी। ग्रीन वैली पहुंच गए हैं और इतनी दूर नहीं थी, थोड़ा सा ही हमें टाइम लगा है और हम ग्रीन वैली पहुंच गए हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पे 360 दिखाता हूँ आप। यहाँ पे हर तरफ स्नो ही स्नो है और वहाँ ऊपर जंगल है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रीन वैली जंगल है उस साइड पे। चलो, अच्छा जंगल उस साइड पे। अच्छा, वहाँ पे स्की होगी। चलें ठीक है, वहाँ पे स्की भी करेंगे हम। वहाँ क्या होगा? तुम कहीं सब तस्वीर बनाते हैं सब बर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आ जाओ, हाथ पकड़ा दो। यहाँ पे एक स्नो एक्टिविटी है, वो करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बर्फ उछालेंगे और आपकी फोटो बनाएंगे। यहाँ नीचे आना है। किधर आ जाओ सर जी? स्लाइड है ये? हाँ। अच्छा, किधर आ जाओ सर जी? स्नो
कैसा लगा? तो चारों तरफ बहुत ही अच्छे सीन्स हैं। ये देखिए सामने वो पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको, वो देखिए बहुत अच्छा सीन है। नहीं, हमारा भी बच्चा नहीं है। हम अभी खुद बच्चे हैं। अभी हम लोग जो है ना यहाँ से सीधा निकलते, सीधा ट्रैकिंग करके सामने वो जो बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे वो, अच्छा वो आगे आगे जाके उस साइड से मोड़ लेंगे तो सामने जो टॉप नजर आ रहे हैं आप लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं रतासर टॉप। अच्छा, वो जो यहाँ का है ग्रीन वैली का मेन पॉइंट है। अच्छा, जो टूरिस्ट आते उधर जाते, वो एक जीप भी मेरे ख्याल में आगे जा रहे, वो तो उधर नहीं पहुँच सकते, उधर ट्रैकिंग है ना। अच्छा, वहाँ से हम मोड़ के टॉप पे आएंगे, वहाँ से वो बेस्ट पॉइंट है, वहाँ से फिर नीचे उतर के वापस यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पाँव खराब हो जाए कीचड़ में तो ऐसे अगर आप स्नो पे करेंगे ना तो आपके बिल्कुल साफ हो जाएंगे, शूज़ आपके बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, आपकी कीचड़ आ गया और आप देखें साफ हो गए। मुझे पता नहीं क्या है, जब भी विंटर्स में मैं आऊँ ना तो फ़ौरन मेरा नाक बंद हो जाता है, हालांकि सर्दी ना भी हो जाता है तो मुझे फिर ये कैप पहननी पड़ती है। तो ये तो शुरू से ही है ना, काफ़ी साल हो गए ऐसे ही। अब जो ट्रैक है थोड़ा सा बेहतर हो गया, तो अब कीचड़ नहीं है, आगे सही है, सूखा है सारा। हाँ, अभी पीछे सारा कीचड़ वगैरह था तो ये गिर भी गई हैं एक दफ़ा, तो मैंने इनकी जैकेट भी साफ़ की है और वो खुद पहनी है, और जहाँ जहाँ कीचड़ लगा था वो सारा साफ़ किया। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 फीट तक बर्फ़ होती है। अच्छा। अभी इंशाल्लाह बर्फ़ का सीज़न है, 2 दिन बाद इंशाल्लाह बर्फ़ का इम्कान है, हो जाएगी यहाँ। मैं सुना कलाम में तो हो रही है। नहीं, कलाम में वो कल इधर भी हो रही थी लेकिन थोड़ी सी थी। हाँ, अभी जो थोड़ी सी हुई थी बस। हाँ, वो इधर भी हो रही थी लेकिन थोड़ी सी थी, अभी पिघल गई है, ख़त्म हो गई है। जो सही स्नोफॉल होती है ना वो अभी तक नहीं हुई है। अच्छा। इंशाल्लाह 2 दिन में हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। ये जो सफेद पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। हाँ। बर्फ के। अच्छा। इस पे साल के सारा 12 महीने बर्फ इसी तरह पड़ रहे थे, इससे हट नहीं जाते। अच्छा। इसको हम सफेद पहाड़ी बोलते हैं। अच्छा, सफेद पहाड़ी, लेकिन अभी बर्फ नहीं पड़ी है जैसी। हाँ। लेकिन पीछे जो पीछे पहाड़ है ना बड़े जबरदस्त है, देखे ना अभी व्यू आना शुरू हो गया सारा। तो अभी टॉप पे जाएंगे और अच्छा व्यू आना शुरू हो जाएगा जैसे हम टॉप पे जाएंगे ना। सारा ट्रैक बना हुआ है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। अभी आगे ना पत्थर आना शुरू हो गए और नीचे भी पत्थर आना शुरू हो गए, और व्यू देखें, सारा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, वो वहाँ से ट्रैक करते हुए हमारे। यहाँ से आप लोग सामने देख सकते हैं बर्फ़ वाले पहाड़, पीछे सारे जितने भी आपको व्यू नज़र आ रहे हैं। हम अभी पहुँचे तो नहीं हैं लेकिन थोड़ा सा आगे आके थोड़ा सा रुके हैं, तो यहाँ से पूरी वैली का व्यू नज़र आ रहा है। देखें वो वहाँ पे पीसी है, ये रहा ये पीसी है, पूरा व्यू नज़र आ रहा है। कौन सा नज़र आ रहा है? दरियाए स्वात, जो कलाम से निकलते स्वात के आते हुए दरियाए स्वात भी यहाँ से नज़र आ रहे हो सामने। अच्छा, वो हाँ नज़र आ रहा है पूरा। हाँ, आ जाए। तो गाइज़ वहाँ से ट्रैक करके हम ऊपर आ गए हैं, तो फाइनली यहाँ से अब टॉप नज़र आना शुरू हो गई है। ये देखिए ये टॉप है, यहाँ जाना हमें। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, आगे भी है व्यू, चले आ रहे हैं हम। शंगली वाली व्यू देख लो। ओके, वाओ, बहुत अच्छा लगा। लुक एट दिस व्यू, ये डिस्ट्रिक्ट शांगला और ये डिस्ट्रिक्ट सवात, इस तरफ सवात है इस तरफ शांगला। सो फाइनली ही मेड इट टू द टॉप, फाइनली हम ऊपर आ गए टॉप पे,
और ये देखें चारों तरफ पूरा व्यू नजर आ रहा है यहाँ से, ये देखें पूरा व्यू नीचे तक। हम वहाँ जा रहे हैं फोटोज वगैरह बनाने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है ना ये सारा ऊपर से, ऐसा व्यू कभी नहीं देखा ना। जो जाने का रास्ता ना वो ये है, यहाँ से हमने पूरे आगे जाना है। नहीं गिरती हैं आप, पकड़ा हुआ। इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ ना, ये नहीं छूटना। चलें ये टॉप पे लिख दें, लिख दें यहाँ पे लिखें, हाँ लिखें आप, मैंने आपका हाथ पकड़ा, नहीं गिरती, लिखें ओके गाइस। हम नीचे आ चुके हैं और हमारी गाड़ी आ गई है, अब बैठ के हम जाएंगे होटल वापस। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ब्रदर, थैंक यू, सी यू अगेन इंशाल्लाह। ओके सो गाइस, हम अपने होटल वापस आ गए हैं, माउंटेन व्यू होटल। अब प्लान ये है कि यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी पीनी, कैपेचिनो वाली जो सुबह पी थी बहुत ही मज़े की थी, और साथ ही साथ फ्राइज़ खाएंगे, फिर देखते हैं डिनर कब करना है। पाँव की तो हालत ही बहुत ख़राब हो गई। कर लें साहब, चलते हैं हम ऊपर। यहाँ से ना सनसेट देखने का बहुत ही मज़ा आता है, बिल्कुल ऑरेंज हो जाता है पीछे बैकग्राउंड, ये देखें। सो गाइज, हमारी फ्राइज आ गई हैं, ये देखें हमारी फ्राइज हैं, और ये कल वाला केक हमने निकाल लिया है तो अभी खा रहे हैं, कल हमने थोड़ा सा ही बस खाया था। तो फ्राइज और ये केक, और सामने ये प्यारा सा व्यू सनसेट का।